जी आई। अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो? नहीं मैं बस बाहर ही आ रही थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं मामू मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी निम्मो किसी बात को लेकर परेशान है। क्या बात? मामू जान मैं नदीम भाई को कॉल कर रही थी, उन्होंने मेरी कॉल काट दी और अब उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। अच्छा तो इसलिए परेशान है हमारी निम्मो? अरे भाई ऑफिस में होगा, मसरूफ होगा, इसलिए कॉल काट दी उसने, वरना वो तो बार बार फोन करके हमारा हालचाल पूछता रहता है। तुम फिक्र ना करो, वो फारिग होगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा। मनाल की बहुत याद आ रही थी तो सोचा नदीम भाई को कॉल करके उससे बात कर लूं। खैर मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, बेटा तुझे हंसता खेलता देख के तेरे मामू को सुकून मिलता था हमेशा। तेरे अच्छे नसीब की दुआएं करता रहा हूं। काश बेटियों का नसीब लिखने का इख्तियार अपने हाथ में होता ना, तो तेरी जिंदगी के सारे दुख सारे कांटे अपनी झोली में डाल लेता तेरा मामू। मामू जान मुझे अपने नसीब से कोई शिकवा नहीं है, मैं ठीक हूं। आपकी निम्मो बिल्कुल ठीक है। चलें मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप ओमानी जान को भी उठा दीजिए, बहुत मजे की चाय लाऊंगी, निम्मो स्पेशल। हाँ स्पेशल निम्मो चाय। जीती रहे बेटा, सदा खुश रहे।